नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। छोटी मोटी लड़ाइयां हर घर में होती हैं और ये मामूली सी बात होती है जिसमें कभी पति अपनी पत्नी से तो कभी पत्नी अपने पति से नाराज हो जाती है, और रूठे हुए को मना लेना इन दोनों के बीच प्यार को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कभी भी इन बातों को लंबा नहीं खींचना चाहिए क्योंकि इससे बात बढ़ती है, साथ ही रिश्तों में खटास भी आने लगती है। क्या आपके पति भी आपसे नाराज हो गए हैं? तो आज हम उन पत्नियों के लिए कुछ खास टिप्स लाए हैं जिनके पति उनसे नाराज हो गए हैं। इन टिप्स से आपको अपने पति को मनाने में मदद मिलेगी। पति को मनाने का सबसे आसान उपाय होता है कि आप अपनी गलती के लिए उन्हें सॉरी कहें, और यदि आप सॉरी कहने के तरीके में रोमांस का तड़का लगा देती हैं तो आपके पति की नाराजगी को चुटकी भर में भगाया जा सकता है। साथ ही सॉरी के बाद इस टॉपिक के बारे में किसी भी तरह की बात ना करें। बहस करने से बातें कभी खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं, जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसलिए यदि आपका पति आपसे नाराज हो गया है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उनसे बहस ना करें, इससे बातें बढ़ जाती हैं। कई महिलाओं की बहस करने की आदत होती है, तो अपने पति की नाराजगी को दूर करने के लिए अपनी इस आदत पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। यदि सुबह आपकी और आपके पति की बहस हो गई है तो रात को उनके घर आने पर उनका स्वागत आप रोमांटिक तरीके से करें, इससे सुबह की बातों को भुलाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे आपके पति आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपके बीच नाराजगी को सुलझाने में मदद मिलती है। साथ ही शादीशुदा लाइफ में हमेशा प्यार को बरकरार रखने के लिए आपको रोमांटिक होना भी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए नाराज पति को मनाने के लिए आपको उनका मनपसंद और लजीज खाना बनाना चाहिए, और खाना ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी नाराजगी को भूल आपकी तारीफ करने लगे। साथ ही हो सके तो आपको उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना भी चाहिए। तो इस तरह ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने पति को मना सकते हैं, साथ ही आप कुछ नए आइडियाज से भी अपने पति को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।